बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बता दें कि भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य में बिहार भी एक है। वहीं देश और दुनिया हर जगह बिहारियों ने अपने राज्य के नाम का डंका बजाया हुआ है। ऐसे तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था, लेकिन 22 मार्च को बिहार दिवस का मनाने का इतिहास बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2010 से बड़े पैमाने पर हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस मनाना शुरू कर दिया। बता दें कि बिहार 111वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस बार थीम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति। इस बार 3 दिनों तक बिहार दिवस समारोह मनाया जाएगा। इसमें शैक्षिक कार्यक्रम, फिल्म फेस्टिवल, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाता रहा है। वहीं पूरे बिहार के लिए आज गर्व का दिन है, क्योंकि पूरा बिहार बड़े ही धूमधाम से बिहार दिवस मना रहा है। बता दें कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। वहीं इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। बिहार के अलग अलग जिलों में इसको लेकर तरह तरह के आयोजन भी किए जाते रहे हैं। बिहार दिवस के अवसर पर अगर बात करें मुजफ्फरपुर की, तो मुजफ्फरपुर जिले में कई तरह के आयोजन किए गए हैं। मुजफ्फरपुर के नेहरू स्टेडियम से बच्चों ने सबसे पहले प्रभात फेरी निकाली है, जो समरणालय तक पहुंचा, जहां जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान जिले के जो तमाम वरीय अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी इस अवसर पर मौजूद रहे। देखिए बिहार दिवस को लेकर के काफ़ी भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। इस सुबह हम लोगों ने प्रभात फेरी से स्टार्ट किया है, जिसमें काफ़ी बड़ी संख्या में बच्चे और यहाँ के गणमान्य नागरिक भी एकत्रित हुए और सम्मिलित हुए। इसके पश्चात ही हम शंखनाद करके बिहार गौरव गान और ये सारी चीज़ की जा रही है, उसको साइड प्रदेश कराया गया है और शाम में 3 बजे से लगातार कार्यक्रम है, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया।